लो 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 के लो लो वो अब क्या कर रहा है चल 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 अभी चलो के महाराज जी बताएंगे आज मसीह जन किस प्रकार भगवान का आशीर्वाद से करें लोग चलो क्या करें कारपुर धाम दबलम कड़कांगदाधी भूषितत्रिनेत्र शशिशेखर मंडितास्याम वामं संश्रितरमानयनय विरामं चक्राजं संघ सगदनम निहरी नमामि। आज जो है भगवान श्री नरसिंह जी का जन्म उत्सव जो है श्री धाम गोविंदसर में जो है बड़े ही हर्ष पूर्वक जो है मनाया जा रहा है। और भगवान श्री नरसिंह जी जो हैं ये भक्त प्रह्लाद की रक्षा हेतु जो है इन्होंने अवतार लिया था। और ऐसा अवतार क्योंकि कहते हैं कि हिरण्याक्ष जो हैं उन्होंने जो है बड़े ही चातुर्य तरीके से जो है वरदान जो है ब्रह्मा जी से प्राप्त किए थे कि मैं ना दिन को मरूं ना रात को मरूं ना धरती पे मरूं ना आकाश पे मरूं और ना ही जो है सुबह मरूं ना शाम मरूं और ना ही इन 12 महीनों में से कोई महीना जो होना चाहिए और ना ही मुझे जो है कोई जो है पशु मार सके और ना ही जो है इंसान मार सके। इस प्रकार का जो वरदान जो है हिरण्याक्ष ने लिया हुआ था। और भगवान के भक्त जो प्रह्लाद थे उनकी रक्षा हेतु जो है भगवान ने जो है ऐसा ही जो है अवतार ग्रहण किया। नर सिंह जो भगवान का जो है मुख जो है वो सिंह का है और बाकी शरीर जो है नर का है। और भगवान ने जब हिरण्याक्ष का जो है संहार किया था तो उनको अपनी जंगा के ऊपर जो है लटा करके उनको बोला कि जिस प्रकार के भी आपने वरदान मांगे हुए हैं उन किसी भी जो है वरदान का जो है उसी तरीके से जो है भगवान ने जब लेटाया तो बोले कि देखो ना सुबह संध्या का समय था जब भगवान ने हिरण्याक्ष का जो है वध किया था और सिंह का रूप धारण किया नाखूनों के द्वारा भगवान ने उनका संहार किया था और भक्त की रक्षा हेतु भगवान ने अवतार लिया था। और आज इस पावन अवसर पर जो है सभी श्रद्धालुगण जो है बड़े ही हर्ष उल्लास से भगवान को जन्म उत्सव पर श्रद्धापूर्वक जो है की जय सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत ही एक बहुत बड़ा दिन है, सनातन धर्म के अनुसार भगवान नरसिंह जी का अवतार हुआ था जब प्रह्लाद जी जो भगवान के अनंत भक्त थे उन पर बहुत बड़ा जो बिकटा और संकट आन पड़ा था। तो जब उनके पिताजी कहते थे कि मैं ही धरती का भगवान हूँ तो उनको ये सबक देने के लिए भगवान भक्त के कितने प्रिय होते हैं ये उस युग में बताया गया था। लेकिन आज भी वही स्थिति है कि आज भी अगर कोई प्रेम से श्रद्धा से अगर मन लगाकर अगर भगवान की भक्ति करता है भगवान आज भी उसकी रक्षा करते हैं, आज भी विद्यमान होते हैं भगवान। भगवान कण कण में रहते हैं। भगवान नरसिंह जी का प्राचीन मंदिर जो गोविंदसर धाम में स्थित है ये मतलब यहाँ पे तो 300 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे ये नरसिंह जयंती समारोह जो महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष मनाया जाता है शुक्ला पक्ष चतुर्दशी के दिन भगवान जी का अवतार हुआ था और आज वही दिन है। तो
हमने शोभा यात्रा भी निकाली थी पूरे गांव में, बहुत भव्य दिव्य अद्भुत शोभा यात्रा थी जिसमें हज़ारों मतलब संख्या में लोग थे, जिसमें महिलाएं पुरुष बच्चे सभी थे जो 5-7 किलोमीटर का एक पूरा शोभा यात्रा के साथ गुजरे थे। उन्होंने बहुत आनंद के साथ गाते नाचते भक्ति में सराबोर होकर कल उन्होंने वो शोभा यात्रा निकाली। और आज शुक्ल चतुर्दशी का दिन है, आज प्रभु जी प्रकट हुए थे धरती पर, जब खम्भे में भगवान जब हरिनाकश में उनको चैलेंज किया था कि कहाँ आपके प्रभु, कहो अगर उनमें इतनी शक्ति है तो उनको यहाँ पे बुला के बताओ कि प्रभा आपके भगवान कहाँ पे। उसी वक्त वहाँ पे खम्भे के अंदर भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए थे, वो नर और सिंह का रूप धारण किए हुए थे, क्योंकि हिरणाक्ष ने यहाँ पे एक वरदान लिया हुआ था ब्रह्मा जी की पूजा में कि मैं ना दिन को मरूँ, ना रात को मरूँ, ना धरती पे मरूँ, ना आसमान पे मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना शस्त्र से ना अस्त्र से मरूँ, ना पुरुष से मरूँ, ना किसी जानवर से मरूँ। इस तरह का बहुत ऐसा वरदान उन्होंने उलझाकर लिया हुआ था कि उनकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती थी, लेकिन भगवान ने उन्हें तथास्तु कहकर यह वरदान दिया था कि आप जैसा चाहते वैसा ही होगा। लेकिन कहते हैं कि भगवान की लीलाएं इतनी अपरंपार होती हैं, भगवान जब किसी का हित करना हो या अनिष्ट करना हो तो स्थितियां बदल देती हैं, युग बदल जाते हैं, समय बदल जाते हैं और नियम भी बदल जाते हैं। भगवान नरसिंह जी ने उस वक्त वो नियम ही बदल दिया सृष्टि का, भगवान जी का अवतार हुआ और हिरणाक्ष को जांघों पे बिठाया, ना वो धरती थी ना वो आसमान था और वो दरबार ना बाहर थे। समय उस वक्त सूर्यास्त था, ना सूर्य आधा गुरु हो चुका था, आधा सूरज बाहर था, और उस वक्त ना दिन था ना रात थी, ना जमीन थी ना आसमान था। और उन्होंने अपने जब उन्होंने एक वचन और लिया था हिरणाक्ष ने कि वो ना अस्त्र से मरे ना वो शस्त्र से मरे, उस वक्त भगवान जी ने अपने नाखून बढ़ाए थे, वो नाखून उनको जांघा पे बिठा के चौकड़ के बीच में लाकर भगवान जी ने उस हिरणाक्ष का उस राक्षस का वध किया था। और उन्होंने वो एक समझ स्थापित किया कि जब जब धरती पे जब जब जुगो जुगो तक कोई भक्त मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी रक्षा के लिए धरती पर जो अवतार लूँगा। आज वही दिन है नरसिंह धाम गोविंदसर में हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 61 महंत भगवान दास जी के दिशानुदेश उनकी आज्ञा से ये 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है। यह शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ था, आज भगवान जी का प्रकटोत्सव है, भगवान जी का शाम के समय प्रकटोत्सव होगा, जन्म लेंगे भगवान जी का श्रृंगार होगा, अभिषेक होगा, भगवान जी का विशेष आरती होगी और महाआरती में जहाँ गांव के सभी महिलाएं बच्चे बुजुर्ग नौजवान वो सम्मिलित होते हैं अपने अपने घरों से आरतियाँ लेकर, और जैसे ही भगवान जी की आरती होती है शंखनाद होता है, घड़ी घड़ियाल बजते हैं, घंटियाँ बजने लगती है, मतलब एक अलग सा माहौल होता है उस वक्त भगवान जी प्रकट होते हैं, तो उसी के साथ ये आरती होती है। फिर एक भगवान जी का खिचड़ी भोग विशेष होता है, वो भगवान को लगाया जाता है, तो जहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु शाम के वक्त जहाँ पे आएंगे वो इस अद्भुत दिव्य और अद्भुत नज़ारे को अपनी आंखों से देखेंगे। इतना अविस्मरणीय होता है कि आप उसे मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकते कि जब प्रभु जी प्रकट होते हैं धरती पर तो वो समय कैसा होता है, वो क्षण कैसा होता है, यही आज हमें देखने को मिलेगा। तो जो परंपरा जो सदियों से चल रही आ रही है वही नरसिंह धाम जी में आज बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी और आप सभी